हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस समय सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरीके के अप्लाइड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में SBI PO प्री में और SBI क्लर्क प्री में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हाईली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। और एट द सेम टाइम SSC CGL और SSC के दूसरे एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है, इसके किस पार्ट में एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है और इसके अकॉर्डिंग फिर इस ऑप्शन से आपका आंसर इसमें बनेगा। तो इसको पढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम स्पीक विथ सम वॉट एंगर। देखने में ये क्वेश्चन सही लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सम वॉट का और सम का। तो यहां पर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सम वॉट क्या होता है और सम क्या होता है। देखिए, सम का मतलब होता है, सम को हम लगाते हैं क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए। एक इंडेफिनिट क्वांटिटी या नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम सम लगाते हैं, जबकि सम वॉट का यूज हम किसी क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए करते हैं या सिमिलरिटी को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि सम वॉट वाइटिश, थोड़ा सा वाइटिश, ठीक है, या हल्का हल्का वाइटिश जैसा, सफेद जैसा। तो यहां पर एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, यहां पर देखिए सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम स्पीक विथ सम एंगर। मैंने जब उसको कुछ गुस्से में देखा, तो यहां पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम सिमिलरिटी नहीं बता रहे कि वो एंगर जैसा था। यहां पर हम बता रहे हैं क्वांटिटी को इंडिकेट करना है कि उसके अंदर कुछ गुस्सा था। और जब मैंने उसको कुछ गुस्से में बोलते हुए देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो समवॉट एंगर ना बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे सम एंगर, क्योंकि समवॉट को हम सिमिलरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, विथ सम एंगर यहां पर हम बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें आपकी अप्लाइड ग्रामर की नॉलेज को चेक किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम यहां पर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर, ठीक है। ये हाई टाइम है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इसमें वो गरीबों करें। द पुअर यहां पर एक्चुअली पुअर एक एडजेक्टिव है। यहां पर द पुअर मतलब पुअर लोगों की जो कम्युनिटी है, द पुअर का मतलब है सारे पुअर लोगों की जो कम्युनिटी है, तो ये सही है। इसमें यहां पर यदि आप एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज हाई टाइम का मतलब है कि ये सूटेबल टाइम है, ये सही टाइम है, अब समय आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल लें। देखिए, यहां पर टेक का जो यूज किया गया है, टेक को हम नॉर्मली फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, जैसे टेक इट, ठीक है, या टेक हिम देयर, उसको वहां पर ले जाओ। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करने के सेंस में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर टेक ऑन कहना सही होता है। टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या टेक ऑन अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल, ठीक है। तो टेक यहां पर देखने में सही लग रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेक ऑन कहना यहां पर सही होगा, ठीक है। टेक ऑन वर्ड के काफी सारे यूसेज हैं, तो वह मैं अलग वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा कि टेक ऑन का क्या मतलब होता है, टेक ओवर का क्या है, टेक ऑफ का क्या मतलब है। ये फ्रेजल वर्ब्स इस समय काफी कॉमनली पूछे जा रहे हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो टेक ऑन अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल, यानी अंडरटेक अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका यहां पर मतलब होगा। और सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, उसमें एक माइन्यूट सी मिस्टेक होती है। अब यहां पर आप देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्नड अ डेफ ईयर। टर्नड अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि अनसुनी करना, सुनने से मना कर देना या इग्नोर करना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्नड, तो ये तो यहां पर सही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फिर हैज आया हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, टर्नड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एडवाइस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन। एडवाइस को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। यदि एडवाइस को आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो आप बोल सकते हैं कि मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। पीस में आप एस लगाएंगे, एडवाइस में आप एस नहीं लगाएंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस आप बोल सकते हैं। और इस तरीके से जब एडवाइस को लिखा जाता है ADVICES, तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ड है इसको गलत तरीके से यूज किया गया है और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्न अ डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एडवाइसेस ना यूज करते हुए हम एडवाइस यूज करेंगे। एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। एडवाइस को यदि प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो आप कह सकते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस या पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके के नाउन्स होती हैं जिनमें हम एस नहीं लगाते। जैसे वर्क के साथ हम बोल सकते हैं पीस ऑफ वर्क। ठीक है, पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर भी सही है। पेपर हम यूज नहीं करते क्योंकि यदि हम पेपर बोलते हैं तो उसमें तो पूरे पूरे अर्थ का जितना भी पेपर है वो सारा आ जाएगा, तो उसमें हम बोलते हैं पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए यहां पर हम देखते हैं द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट पॉवर्टी। गरीबी को कम करने के लिए, एलिविएट मतलब कम करना, तो एलिविएट वर्ड यहां पर सही है। लेकिन यहां पर आप देखिए द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है पेन, एक होता है पेन्स। पेन का मतलब होता है सफरिंग, जबकि पेन्स का मतलब होता है केयरफुल एफर्ट। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट सफर करेगी किसी चीज को यहां पर, या गवर्नमेंट एफर्ट लगाएगी गरीबी को कम करने के लिए। तो यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन्स, गवर्नमेंट इज नॉट 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 पुटिंग इन केयरफुल एफर्ट्स, गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग इन केयरफुल एफर्ट्स। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ पेन वी शुड से पेन्स, नॉट टेकिंग पेन्स। ठीक है, तो सी इसमें आपका जो है वो गलत पार्ट है और इसमें आंसर होगा आपका सी। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर लीगल सिस्टम इज सॉफ्ट टुवर्ड क्रिमिनल्स एंड इज अनफ्रेंडली टुवर्ड विक्टिम्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए गलती देखते हैं। आर लीगल सिस्टम इज सॉफ्ट टुवर्ड क्रिमिनल्स एंड अनफ्रेंडली टुवर्ड विक्टिम्स, यानी इस एंड के द्वारा ये दो इक्वल फ्रेजेस जुड़े हुए हैं यहां पर, सॉफ्ट टुवर्ड क्रिमिनल्स एंड अनफ्रेंडली टुवर्ड विक्टिम्स। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट है और विक्टिम्स के लिए अनफ्रेंडली है, जो कि गलत है, मतलब उल्टा है। अब यहां पर एंड के द्वारा हम इक्वल एंटिटी को जोड़ते हैं और इक्वल एंटिटी यहां पर जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस जो है यहां पर ये एक्स्ट्रा है या रिडंडेंट है या नीडलेस है, इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि एंड के द्वारा हमने दो इक्वल फ्रेजेस को ऑलरेडी जोड़ दिया है, सॉफ्ट टुवर्ड क्रिमिनल्स एंड अनफ्रेंडली टुवर्ड विक्टिम्स। ठीक है, तो ये जो एंड ये जो इज लगा है ये यहां पर एक्स्ट्रा है और सी पार्ट में इसमें आपका गलती है, सी पार्ट इसमें आपका आंसर होगा। आई होप अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैं बैंकिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस लेता हूँ, बैंकिंग के वीडियो क्लासेस बनाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो क्लास जो आप देख रहे हैं ये एसएससी के लिए भी हाईली यूजफुल रहेगी और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा इसमें वीडियो क्लासेस, CGL के लिए, CPO के लिए, स्टेनो के लिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स निश्चिंत रहें, बैंकिंग और एसएससी दोनों का ही मैं पढ़ाता हूँ। ग्रामर तो एक्चुअली कॉमन होती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। यहां से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज गेटिंग इंक्रीजिंगली आइसोलेशन। देखिए इसमें तो गलती इस वर्ड में है। ठीक है, बराक ओबामा इज गेटिंग मतलब बराक ओबामा बनते जा रहे हैं या होते जा रहे हैं, कैसे, इंक्रीजिंगली। अब देखिए इंक्रीजिंगली अपने आप में क्या है, जिसमें एलओवाई लगा होता है वो वर्ड नॉर्मली क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं।
तो एडवर्ब के बगल में यहां पर क्या आना चाहिए? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो यहां पर आइसोलेशन तो नाउन है, ये नाउन फॉर्म है, तो यहां पर हम बोलेंगे प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज गेटिंग इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड वर्ड आएगा, आइसोलेटेड ऑन द इशू ऑफ लॉन्चिंग अ लिमिटेड अटैक ऑन सीरिया। ठीक है, तो सीरिया से रिलेटेड ये कि क्वेश्चन है, और इस इशू पे बराक ओबामा जो है वो अलग होते जा रहे हैं, आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। तो यहां पर बी जो है ये इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स नाउ कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 80 यूनिवर्सल। देखिए इसमें कंप्राइजेस ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइजेस के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते, पैसिव वॉइस में हम करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, ठीक है, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस ये नहीं है, यहां पर ये है एक्टिव वॉइस। तो इसलिए इसमें हम कंप्राइजेस के बाद ऑफ का यूज नहीं करेंगे, केवल कंप्राइजेस लिखेंगे। जैसे दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 10 रूम्स, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 10 रूम्स, या मैं बोल सकता हूं दिस बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 रूम्स। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्टिव वॉइस में हम कंप्राइज के बाद ऑफ यूज नहीं करते, पैसिव वॉइस में हम करते हैं। तो चूंकि ये एक्टिव वॉइस है इसलिए इसमें हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस व्हिच हैव बाइंडिंग फोर्स फॉर स्टेट पार्टीज। बाइंडिंग फोर्स मतलब कंपेलिंग फोर्स, जो आपको कंपेल करती है। ठीक है, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 42 ईयर्स ओल्ड, एक्चुअली ये गलत है फ्रेज, 42 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मैन वॉज लिंच्ड इन कानपुर बाय ए मॉब विच एक्यूज्ड हिम ऑफ अ पाकिस्तानी। देखिए यहां पर इसको आप इग्नोर करिए, ये मिसप्रिंट हो सकता है, 42 ईयर ओल्ड होगा एक्चुअली ये। तो वैसे इसमें ये भी गलती है, यहां पर भी इसमें गलती है, लेकिन यदि इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें, देखिए अ 42 ईयर ओल्ड अनआइडेंटिफाइड मैन वॉज लिंच्ड इन कानपुर बाय अ मॉब विच एक्यूज्ड हिम ऑफ अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। बताइए क्या गलती है? ये काफी अच्छा ये सेंटेंस है। लिंच का मतलब होता है कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा देना या उसको मार देना, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अ 42 ईयर ओल्ड अनआइडेंटिफाइड मैन वॉज लिंच्ड इन कानपुर बाय ए मॉब विच यहां पर सही है, क्योंकि ये मॉब के लिए आ रहा है, तो विच तो यहां पर सही है। विच अक्यूज्ड हिम ऑफ ऑफ, क्या यहां पर बीइंग नहीं आना चाहिए? विच अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। उस भीड़ ने उस अनआइडेंटिफाइड मैन के ऊपर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट होने का उस पर आरोप था, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं था लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट होने का उस पर आरोप था। तो यहां पर हम बोलेंगे अक्यूज्ड हिम ऑफ ऑफ व्हाट, ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें हम डी इसमें आप गलती मानेंगे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वैसे यहां पर भी इसमें गलती है क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है, इसमें हम ईयर लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो डी पार्ट में इसमें गलती है। अब देखिए ये सेंटेंस है और इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। नीदर राजू इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल ही एक्सपेक्ट्स हैंडसम सैलरी। ना तो वो इंटेलिजेंट है ना हार्ड वर्किंग है और वो एक्सपेक्ट करता है हैंडसम सैलरी। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे नीदर नॉर होता है, ईदर और होता है, तो नीदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वही पार्ट ऑफ स्पीच और के बाद आता है। तो इसको हम कंसिस्टेंट कैसे करेंगे? इसको हम एक्चुअली राजू को हम इधर लाएंगे। ठीक है, राजू इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग।
तो इसको इसको हम अगर ऐसे करें, राजू को यहां पर लेके आए, तो राजू इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग. नीदर के बाद इंटेलिजेंट आ जाएगा, नॉर के बाद हार्ड वर्किंग आ जाएगा. मतलब नीदर के बाद भी एडजेक्टिव और नॉर के बाद भी एडजेक्टिव, तो ये सेंटेंस कंसिस्टेंट हो जाएगा. तो यहां पर ये जो पार्ट है आपका ए पार्ट, ये इसमें गलत है. इसमें इसमें एक्चुअली प्लेसमेंट की गलती है, वर्ड के जो प्लेसमेंट है उसकी इसमें गलती है. तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द डैमेज विच इज कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी. देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको एरर समझ में नहीं आएगी. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द डैमेज विच इज कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी. परसेप्शन और रियलिटी में जो एक बड़ा गैप है उसकी वजह से जो कॉज हुआ है उसको पॉलिसी मेकर को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए विच इज कॉज्ड का क्या मतलब है. विच इज कॉज्ड में तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को दिखाते हैं, लेकिन डैमेज तो हो चुका है ना. डैमेज हो चुका है तभी तो हम बोल रहे हैं कि टाइम हैज कम, टाइम आ चुका है पॉलिसी मेकर के लिए उस डैमेज को देखने का या उसके साथ डील करने का. मतलब डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो विच इज कॉज न लगाते हुए यहां पर हम बोलेंगे विच हैज बीन कॉज. ठीक है, विच हैज बीन कॉज, ये काफी अच्छा ये सेंटेंस है और सी इसमें आपका सही आंसर होगा. विच हैज बीन कॉज हम बोलेंगे यहां पर. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये 10 सेंटेंस इसमें आपको एक्सप्लेन किए हैं. और सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी. एसएससी के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा आपको डेफिनेटली, और बैंकिंग के लिए मेरी क्लासेस चली रही हैं. तो इसको आप, यदि आपको वीडियो क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं, इसको लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट करके बताएँ, शेयर इसको ज़रूर करें इस वीडियो क्लास को. और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताएँ. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.